कि ज़ेबरा क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए ना, अगर आपकी ट्रैफिक कंटिन्यू और गाड़ियाँ स्पीड में जा रही हैं तो आपको जो बटन दबाना है। अस्सलाम वालेकुम, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। इस चैनल पर डाला गया लास्ट व्लॉग जो कि पाकिस्तान में था, और इस वक्त आपको थंबनेल और टाइटल से अंदाजा हो चुका होगा कि हम मौजूद हैं सेंट्रल एशिया के मुल्क ताजिकिस्तान में। और इस वक्त मैं हॉस्टल में मौजूद हूँ। बेसिकली ये मेरा फोर्थ फ्लोर पे हॉस्टल है और ये कैपिटल दुशांबे में वाकई हॉस्टल। हम लोग बेसिकली रिसेंटली इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था हमारा, और अब हम हायर एजुकेशन के लिए आए हैं ताजिकिस्तान में MBBS के लिए। MBBS यानी 5 साल बाद, आज 2023 और 2028 तक इंशाल्लाह हम डॉक्टर बन जाएंगे। हमसे मुराद यानी मेरे साथ मौजूद मेरा क्लास फेलो माजिद भी है। इस इंट्रोडक्शन बाद में कराऊंगा। बेसिकली हम लोगों को ये बेड शीट्स, इसके अलावा हम लोगों को सरांदे, कंबल और ये कुछ चीज़ें आज ये लौट रही हैं। तो हम लोगों ने आज साफ़ सफाई की है। ये सब डेस्क वगैरह काफ़ी हद तक गंदे हुए हुए थे, सामान अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं खोला। मेरा कुछ सामान वो पड़ा हुआ, ये बेड मेरा है और यहाँ से बस खिड़की वाला व्यू है, और कुछ सामान मेरा ये इसके पीछे माजिद साहब ने रख दिया। मना भी किया था इतना रखें, लेकिन कुछ सफाई के लिए रखा है। खैर, माजिद सफाई कर ले, उसके बाद इसके साथ भी आपकी दुआ सलाम कराते हैं। और जो कम्बल हमें मिले थे, हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, हो सकता है वो पहले के यूज़ हो, गंदे हो, जो भी है। तो अभी मैं और माजिद को वॉशिंग मशीन में डाल कर आए हैं, तो जैसे ही वो साफ़ होते हैं धुलते हैं फिर हम लोग खाना खाने जाएंगे मेस में। तो मैं सवारी कैसी है वो भी आज किसी व्लॉग में दिखाऊंगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें। जितनी देर में माजिद कमरा साफ़ कर रहा उतनी देर में हम लोग कंबल देख आते हैं, काफ़ी टाइम से रखे हुए वॉशिंग मशीन में। तो बेसिकली ये हमारी एक किस्म की कॉरिडोर है, आमने सामने सारे कमरे में लड़के ही रहते हैं, सीनियर्स हैं ज़्यादातर, फोर्थ फ्लोर है। तो ये है हमारा किचन है, जहाँ पर आप लोग किसी भी टाइम पर कुछ भी बना सकते हो। फ्रिज वगैरह दिया हुआ इन्होंने और सब चीज़ें वर्किंग है, यानी आम हॉस्टलों के मुकाबले में जैसे चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है। तो ये यहाँ से व्यू है, ये है ड्राइंग रूम यानी जहाँ पर हम लोग कपड़े शपड़े धो सकते हैं, और ये है वो वॉशिंग मशीन जिसमें मैंने कम्बल वगैरह डाले हुए हैं। मेरा अपना भी इसी में ही है और माजिद का भी इसी में है, तो बस जल्दी ये कम्बल धुल जाएंगे और ये ख़ुद भी ट्राई करके हमें दे देगी। इसके अलावा अगर आपकी एक ही वॉशिंग मशीन है पूरे फ्लोर के लिए, निचले वालों के पास अपनी अलग है, अगर ये बिजी है और आपको अर्जेंट कपड़े धोने हैं तो ये टब वगैरह की फैसिलिटी भी दी हुई है, आप यहाँ पर भी धो सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि किचन, वॉशरूम और लॉन्ड्री वाले एरिया में इन्होंने गीज़र भी दिया हुआ है, यानी 24/7 आपके पास गर्म और ठंडा पानी अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कपड़े आप लोग धो लेते हैं उसके लिए यहाँ पर सुखाने के लिए स्टैंड भी दिया गया है, तो आप लोग कपड़े धोने के बाद यहाँ पर सुखा भी सकते हो, यानी काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। अभी जाते हैं माजिद साहब को देखते हैं कि उसने कितनी हद तक सफाई की है। रूम नंबर 87 हमें नोट हुआ है। लका कितना हुआ है? और ये है माजिद खान नाम है इनका, और हाई टेक से इन्होंने इंटरमीडिएट की थी। खैर रिसेंटली व्लॉग्स में मेरे साथ नहीं थे, बट इंशाल्लाह अब इससे आगे जो व्लॉग हुआ करेंगे उसमें माजिद भी हमारे साथ हुआ करेंगे। 5:56 हो रहे हैं और 6 बजे तक हमारा मैस खुल जाता है। और इस हॉस्टल की ये बात है कि सुबह के टाइम एक नाश्ता मिलता है आपको और एक रात की रोटी होती है। जो सुबह की टाइमिंग होती है वो 8 से 11 होती है, और जो शाम की टाइमिंग है वो 6 बजे शुरू होती है और 8 से 8:30 बजे तक आप रोटी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको दिन में रोटी नहीं मिलती, आप अपना कुछ बना के खाओ या आप बाहर से खाते हो वो आपकी मर्ज़ी। आपको मैंने दिखाया किचन यहाँ पे है, अगर आप बाहर से कोई चीज़ लेकर आते हैं तो आप यहाँ पे बना के खा सकते हो। और उसकी वजह ये है कि किचन यहाँ पर दिन की वजह से नहीं है कि आम दिनों में, अभी तो छुट्टी है ना यूनिवर्सिटी से, जब यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं तो दिन के टाइम आप यूनिवर्सिटी में होते हो, हॉस्टल पूरा खाली होता है, इस वजह से हॉस्टल की मेस में कुछ भी नहीं बनता। तो अभी कमरा शमरा साफ़ करते हैं, इसके बाद हम जाते हैं मेस में खाना खाने के लिए, वहाँ की सीन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मेस में खाना खाने के लिए। क्लिप में मेरे कपड़े भी चेंज हो गए, उसकी वजह यह है कि इधर टेम्परेचर अच्छा खासा कम है पाकिस्तान के मुकाबले। अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज इस टाइम पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 25 होगा, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड करना ना करते यहाँ पे फ़र्क होता है। और अभी मैंने स्वेटर पहनी हुई, यानी इस मौसम में अगस्त में सितंबर में यहाँ पर स्वेटर पहनने की यानी ज़रूरत है। ये वो जगह है जहाँ पर सारे फ्री का नेट यूज़ करते हैं। ये इधर ऑफिस है और ये हमारे हॉस्टल की रिसेप्शन है, वो वार्डन बैठे हुए हैं हमारे। तो ये हमारे हॉस्टल की बैक साइड है और मेस का रास्ता हमारे हॉस्टल की बैक साइड से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेस में,
ये आई थिंक ये वाला हॉस्टल जो है ये ताजिकियों का है, ताजिकिस्तान के बंदों का, और वो सामने वाला भी ताजिक का ही है, इंडियन का था पहले, यहाँ पे जो मैंने सुना है पहले इंडियंस का था बट अब ताजिक वालों का होने वाला है। तो अभी हमारी मेस है वो सामने। कॉमन चीज़ एक ही है कि यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादातर मर्सिडीज़ की और BMW की हैं, ज़्यादातर अक्सर ये जैसे हमारे मुल्क में टोयोटा या वगैरह होती हैं, इस तरह यहाँ पर मर्सिडीज़ और BMW हैं। और लोग आ चुके हैं अभी मेस में, ये हमारी मेस है, ये अब सारे बैठे हैं खाना खाने के लिए। A few moments later, खाना शाना हम लोग लेकर आ गए हैं, हम लोगों को आज मिला है लोबिया और साथ में मिलती हैं दो रोटियां। इसके बाद अगर आपने और खानी है तो आप लोग भी लेकर आ सकते हैं। तो खाना शाना मैं खा चुका हूँ और ये है हमारा तीसरा रूममेट सवाद से तल्लुकैन का और यासर नाम है। हम लोग जाते हैं कमरे में, अपने साफ सफाई तो हो चुकी थी, दूध वगैरह लेना ना है ना। यस, तो मजे को चाय बहुत पसंद है, तो हम लोग अभी दूध लेने जाएंगे, दूध और चीनी और पत्ती भी लेनी है हमने। तो अभी कमरे में पहले जाते हैं, वहाँ से पैसे शैसे लेते हैं, फिर ही हम मार्केट जाएंगे। और यहाँ पर A few moments later, तो हम लोग जा रहे हैं मार्ट पे, ये है सामने मार्ट, कुछ सामान लेने है। और हमारे साथ मौजूद है आज हमारे कुछ हॉस्टल की लड़कियाँ। यार यहाँ पे मैं आपको वापस टाइम दिखाऊंगा, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग को कि अगर एक बंदा इसके पास भी खड़ा हो, गाड़ी अगर 80 की स्पीड से भी जा रही है ना, तो वो फुल ब्रेक मारेगी और उसके बाद आपको रास्ता देगी और फिर वो आगे अपना सफ़र तय करेगी। यानी पाकिस्तान वाला कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। तो खैर अभी अंदर जाते हैं, तो अंदर जाते हैं, जो जो ज़रूरत का सामान है वो ख़रीदते हैं और फिर दिखाता हूँ आपको साथ साथ। पर एक चीज़ है, यानी जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना, ये लोग जो बन टाइप चीज़ खाते हैं, और अब इसका टेस्ट हमें नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी हार्ड है अगर हम लोग इसको रोटी से कंपेयर करें। बताऊँ तो ये बन एक 15 सुमोनी का है, यानी एक सुमोनी 27 रुपये के होते हैं, और 15 सुमोनी कितने के होंगे, 300 कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 57.63 का सुमोनी है, यानी 414 रुपये की, ये दो नहीं है, हाँ दो हैं। तो इससे सस्ते हमें पीछे मेरे थे 5 सुमोनी के, बट वो साइज़ में तकरीबन छोटे थे, बल्कि वो हाँ बहुत छोटे थे। वो मार्ट काफ़ी महंगा था, क्यों? क्योंकि हम लोग पहले भी विज़िट कर चुके हैं यहाँ पे काफ़ी मार्ट से, कुछ सामान हमने पहले लिया था बट तब मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। अभी हम एक और जगह पर आए हैं। A few moments later, ना लैंग्वेज बैरियर है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ के ताजिक पीपल्स को ना समझा नहीं सकते। ताजिकिस्तान की ये बात है कि यहाँ पे लोग ताजिक और रशियन दोनों समझ और सुन सकते हैं, इसके अलावा इनको इंग्लिश तो आती ही नहीं है, उर्दू तो जाहिर सी बातें नहीं आती नहीं ना करो। तो अभी हम लोगों को मार्क्स तो कुछ नहीं मिला, बट एकदम से एक्सीडेंटली हम लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस 2 मिल गया। अच्छा, और ये हमारे हॉस्टल के करीब है, तकरीबन हमारा हॉस्टल उस तरफ है ना, सही हो गया, और ये हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस 2 है, समझ गया। एविसिना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बताता चलूँ कि इस यूनिवर्सिटी के ना 2 कैंपसेज हैं, और ये जो कैंपस है ये न्यू कैंपस है, और ये हमारे हॉस्टल के करीब, और दूसरा तकरीबन हॉस्टल से तकरीबन 10 मिनट की बस ड्राइव पे है। तो अभी तो हम लोग इस कैंपस में नहीं जा सकते, हमारी आई थिंक यकम से क्लासेस शुरू होने वाली हैं, यकम सितंबर से। मे भी आपको वीडियो में काफ़ी छोटा लग रहा होगा, बट रियल में ग्राउंड रेंटी के मुताबिक ये काफ़ी बड़ा है। और अगर इनके दोनों कैंपसेस की लोकेशन के बारे में बताऊं, यार यकीन माने कि ये प्रीमियम लोकेशन पर वाकई हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस। तो ये साइड पे रोड्स वगैरह हैं, और इसके करीब में ना वो बस स्टॉप भी है, ठीक है, वहाँ पे। यानी यहाँ पर यह है कि जो बस होती है वो आपसे 2 सुमोनी लेती है, और 2 सुमोनी लेने के बाद आप किसी भी स्टॉप पर उतर सकते हैं। 2 सुमोनी से मुराद यानी तकरीबन 60 एकड़ के करीब पैसे लिए जाते हैं। A few moments later, कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए ना, अगर आपकी ट्रैफिक कंटिन्यू और गाड़ियाँ स्पीड में जा रही हैं, तो आपको ये बटन दबाना है। इस बटन को दबाने की वजह से ये सारे इशारे 20 सेकंड के लिए बंद हो जाएंगे और तमाम गाड़ियाँ आपके लिए रुक जाएंगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यानी कितना अच्छा सिस्टम है, इससे यहाँ पर कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं हो सकता, और ना ही कोई बदअमनी होती है। तो ये हमने कुछ सामान लिया जिसमें डबल रोटी और बन वगैरह शामिल है, और टोटल ये सामान हमें मिला है 20 सुमोनी का। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद डाला जाने वाला व्लॉग वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।